हाँ भाई लोग, एक बार बताना कि मतलब आवाज आ रही है कि नहीं, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, ये थोड़ा बताना। अच्छा, स्क्रीन रोटेट है, मैं स्क्रीन पर सही से आ रहा हूँ? हाय भाई, हाय हाय हाय, एक मिनट मैं स्क्रीन सही कर लेता हूँ। हाय 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 भाई, हाँ स्क्रीन ही रोटेट कर रहा हूँ भाई, स्क्रीन रोटेट हो जा। हाय भाई, हाय हाय, स्क्रीन मैं पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। अब सही आ रही है स्क्रीन का, एक बार बताना भाई, स्क्रीन सही आ रही है कि नहीं? हाय भाई, मैं भी आपका बड़ा फैन हूँ। पीकी ब्लाइंडर्स की हाँ भाई, अभी सबका कमेंट दे रहा हूँ, मैं सही से दिख रहा हूँ या नहीं ये एक बार मतलब कोई लिख करके बता दो, आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही, थोड़ा ये क्लियर कर दो, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ पर सही मेरे को दिखा नहीं रहा है। स्क्रीन सही है, ओके ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, योर वॉइस इज़ क्लियर ब्रो, ओके थैंक्स भाई, किसने बताया है, थैंक्स भाई श्रेयस। तो हाँ, 2 मिनट हो गए आए मतलब लाइव आए हुए, थैंक यू जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं। रोटेट करो भाई, रोटेट हो नहीं रहा है, इससे ज़्यादा रोटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा सा एक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, रोटेट डिवाइस का ऑप्शन बंद कर देता हूँ। आ जाने दो भाई सबको, तब तक मैं अपना सेटअप सही कर लेता हूँ एक बार। अब सही है, हाँ भाई अब ठीक है, स्क्रीन सही कर दिया है। हाँ भाई, हाय, आप भी उल्टा करके पढ़ रहे हो? हाँ, मैं भी उल्टा ही करके पढ़ रहा हूँ भाई। द विच पार्ट टू अपडेट, यार देखो अभी द विच की कोई भी अपडेट नहीं है कि इंडिया में इसको कब रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ मतलब मिलेगा तो मैं बता दूंगा। स्काई कैसल हिंदी डब्ड अपडेट, यार अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है, अगर मिलेगी तो मैं आरूप भाई ज़रूर बताऊँगा, मेरे पास नहीं स्पेशली। अब सही है, थैंक यू महेश भाई बताने के लिए, थैंक यू थैंक यू। हाँ थोड़ा सा पसीना निकल रहा है। क्रेजी लव की अभी अभी इस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ भाई, वाहिद भाई अभी इस पर क्रेजी लव पर कोई भी काम नहीं स्टार्ट हुआ है भाई। मेरा एक डाउट है, कोरियन ड्रामा एंड हिंदी वेब सीरीज में क्या फ़र्क है? ड्रामा बड़े होते हैं जो उनको ड्रामा कहते हैं, जिसमें सब कुछ देखने को मिलता है, और वेब सीरीज जो 6-7 एपिसोड की होती हैं, मेरे से तो उनको वेब सीरीज ही कहते हैं। और जो कोरियन होते हैं भाई, वो कोरियन बहुत लंबे चलते हैं एक्चुअली। मैं अब मैं बताऊँ ना, तो रियल बात ये है कि अब जो कोरियन ड्रामा आ रहे हैं वो 16, 17 और 8 एपिसोड में निपट जा रहे हैं, और जो ओरिजिनल कभी आते थे जो पुराने वाले कोरियन ड्रामास, वो 24 से 30 एपिसोड के होते थे, तो इसलिए उनको ड्रामा कहा जाता था। भाई मेरा एक डाउट है, बता दिया भाई तुम्हारा एक डाउट, फाइट फॉर माई वे OTT पर नहीं आएगी? नहीं, अभी ये नहीं आएगी। क्रेजी लव का अपडेट मैंने आपको बता दिया है। स्क्विड गेम कब रिलीज़ होगी? भाई स्क्विड गेम का जो सेकेंड पार्ट है, उससे पहले मेकर्स उसके कुछ और भी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी अपडेट दिया हुआ है, एक स्पिन ऑफ आ रही है, इवन एक स्क्विड गेम कैसे पॉपुलर हो गई उस पर एक सीरीज़ आ रही है, तो वो पहले आएगा, फिर उसके बाद सीजन 2 जो है उसका 2024 तक आएगा, उससे पहले नहीं। डार की कोई हिंदी अपडेट नहीं है, फालतू का सब लोग अपडेट दे रहा है, ऐसा कोई काम चल नहीं रहा है, मैंने पता कर लिया है। भाई जो लोग भी जुड़े हुए हैं कम से कम वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे कि मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे भी पता चलेगा कि हाँ लोग लाइक कर रहे हैं।
एनीमे का कंटेंट? हाँ भाई, मैं एनीमे का सोच रहा हूँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा। आप तुम लोग बताओ, देखना चाहते हो एनीमे वगैरह कि नहीं? क्योंकि मैं खुद ही देखता रहता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इस पर रिव्यू वगैरह करना, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही कि 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे। अगर लोग तुम लोग चाहते हो देखना तो बता देना कमेंट करके, या फिर मैं जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था उस पर जाकर के कमेंट कर देना कि भाई एनीमे का रिव्यू चाहिए, तो मैं ज़रूर चालू कर दूंगा। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एनीमे स्टार्ट हुए हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा। द विचर कब आएगा भाई? नेक्स्ट ईयर आएगा। द विचर की जो शूटिंग है वो स्टार्ट है, नेक्स्ट ईयर आएगा। मैं एनिमे कंटेंट देख रहा हूँ, मैं लाऊंगा जरूर। K2 नहीं, उसकी कोई अपडेट नहीं है भाई, तुम बता दिया। मनी हाइस्ट कोरिया का जो सीजन 2 है वो इस महीने नहीं आ रहा है, अगले महीने शायद मोस्ट प्रोबेबली आ जाए। टेल ऑफ द नाइन टेल्ड अभी हिंदी डब में नहीं आएगा जब तक उसका सीजन 2 और सीजन 3 कन्फर्म नहीं हो जाएगा। मनी हाइस्ट का मैंने बता दिया भाई, इस वीडियो को पीछे करके देख लेना। भैया हेलबाउंड का क्या हुआ? हेलबाउंड का सीजन 2 कंफर्म हो गया है और मोस्ट प्रोबली आपको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर या फिर 2024 की स्टार्टिंग तक देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स ने उसको कंफर्म कर दिया है। 3 फेवरेट हॉलीवुड सीरीज़, पहली तो डार्क है, दूसरी मनी हाइस्ट मुझे पसंद है, और तीसरी स्ट्रेंजर थिंग, ऑब्वियस सी बात है वो पसंद है। और भी काफ़ी हैं, लेकिन जैसे कि शैडो एंड बोन का मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ, विचर है, बहुत सी हैं, लेकिन 3 फेवरेट मैंने आपको बता दी हैं। हीलर के ड्रामा, यार उर्दू फ्लिक्स वालों को मैंने मैसेज किया था तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया है, तो हीलर क्या पता है इस मंथ के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंथ तो पक्का आ जाना चाहिए, क्योंकि उसकी डबिंग ऑलरेडी प्रोसेस में है। भैया नेटफ्लिक्स के बड़े बड़े के ड्रामा जो हिंदी डबिंग अपडेट आया था वो कब आएगा? तो यार देखो, अभी तो बड़े ड्रामाज में तुम्हें क्या बोलते हैं वो देखने को मिलने वाला है, री मैरिज एंड डिज़ायर। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ नेटफ्लिक्स का एक और कोरियन ड्रामा आ रहा है, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसका मैंने फर्स्ट लुक क्या बोलते हैं रिवील किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो देखने को मिलेगा। फिर यार जो पुराने ड्रामाज उनके राइट्स पता नहीं क्यों बाय नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अब जो स्टूडियोज़ हैं वो अपने राइट्स को 2-3 मतलब OTT प्लेटफॉर्म को शेयर कर देते हैं। जैसे कि जो ड्रामास हैं नेटफ्लिक्स पे हैं वही ड्रामास अमेजोन पर आपको मिल जाते हैं, तो इसी रीजन की वजह से कोई हिंदी डब को भी डब नहीं कर रहा, और इस तरह के ड्रामास को हिंदी डब लाने में अच्छा खासा थोड़ा पैसा देना पड़ता है, तो इसलिए भी एक रीज़न है कि मतलब नहीं डब कर रहे हैं। पेंट हाउस सीजन 3 पर काम स्टार्ट होने वाला है भाई, बहुत जल्दी, गुड न्यूज़ है तुम लोगों के लिए, मैंने ऑलरेडी अपडेट दिया है, तो देखो कब आएगा। भाई असुर का सीजन 2 इस महीने नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबली अगले महीने आ जाएगा। हेलबाउंड का मैंने बता दिया। W2World के ड्रामा का कोई अपडेट नहीं है। बिजनेस प्रपोजल जो है नेटफ्लिक्स पर आएगा, MX प्लेयर पर नहीं आएगा। असुर का मैंने बता दिया भाई। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है भाई, मैं सबका पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो भाई जिसका जिसका मैं पढ़ पा रहा हूँ उसका मतलब पढ़ के मैं जवाब दे दे रहा हूँ, बाकी सॉरी जिसका मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ उसका मैं जवाब रीड करके कमेंट बाद में दे दूँगा। रुचि द्विवेदी हाय हेलो। टेल ऑफ द नाइन टेल अभी नहीं आएगा, मैंने बता दिया भाई। हॉरंग का यार मैंने पता करने की कोशिश की थी तो उसका कुछ भी नहीं है। फ्लेम का सीजन 3 आने वाला है, मोस्ट प्रॉबली देखो कब रिलीज़ करते हैं, लेकिन हाँ उसका काम हो रहा है। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 सेटेड अपडेट, यार इसकी अपडेट मैंने हमेशा दी है, ऑन टाइम दी है, लेकिन अभी VTV वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न नहीं पता। लेकिन हाँ VTV जो थाईलैंड है उसने मतलब एक अपडेट शेयर किया था अभी रिसेंटली कि वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉबली अगस्त तक शायद रिलीज़ कर दें। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, तो अगस्त तक क्या पता तुम्हें माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीजन 2 देखने को मिल जाए। हाँ भाई, ये भाई कोरियन ड्रामाज के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज़ और बॉलीवुड की, यार देखो मैं कोरियन ड्रामाज को इसलिए अपडेट करता हूँ ना क्योंकि और जो चैनल हैं जैसे कि अदर जो चैनल भाई लोग हैं अपने, वो ऑलरेडी सब हॉलीवुड और बॉलीवुड की बॉलीवुड को कवर करते हैं, लेकिन कोई भी कोरियन ड्रामाज और जो ये चाइनीज़ ड्रामाज होते हैं इनकी बात नहीं करता, इसलिए मैं मोस्टली उन पर फोकस करता हूँ। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो हॉलीवुड और बॉलीवुड की अपडेट तो मैं डेफिनेटली दूंगा। इवन टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपने सबसे ज़्यादा हॉलीवुड और बॉलीवुड की अपडेट देते रहता हूँ। इवन मिर्ज़ापुर के सीजन 3 के जो शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी 24 तारीख को, तो सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि हाँ इसकी शूटिंग स्टार्ट होने, तो मैं देता रहता हूँ। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर वहाँ पर चाहते हो, या फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा अपने चैनल पर। बेताल का सीजन 2 नहीं आएगा भाई।
फैमिली मैन का सीजन 3 अभी तो उसके डायरेक्टर मूवी में बिजी हैं, मूवी में बिजी हैं, साथ साथ वो फर्जी वेब सीरीज आने वाली, तो उसके बाद शायद फैमिली मैन के सीजन 3 पे वो लोग काम करेंगे। और मैंने बता दिया भाई, ब्राइड ऑफ वाटर ऑफिशियल हिंदी डब्ल्यू में नहीं आएगा। वैगाबॉन्ड के सीजन 2 पर शायद काम हो रहा है। विच एट डिनर के ड्रामा, भाई मेरे पास इसकी अपडेट नहीं है, सॉरी। मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा तुम्हारा, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ आरूप बेरा, तो जैसे कुछ अपडेट मिलेगी तो मैं बताऊँगा। द बीच पार्ट 2 भाई देखो कब रिलीज़ करते हैं इंडिया में, अभी तो कोई अपडेट नहीं है। भाई व्हाट आर यू डूइंग एक्सपेक्ट, मतलब मूवी वीडियो मेकिंग के अलावा क्या करते हो? मैं सिविल इंजीनियर हूँ भाई, उसका भी कंपनी का भी काम करना रहता है। यूक्रेन का नहीं, बाकी सीजन एमएक्स प्लेयर रिलीज़ नहीं करेगा, रिलीज़ नहीं करेगा। एलाइस इन द बॉर्डरलैंड का सीजन 2 भाई नवंबर तक आ जाएगा, टेंशन ना लो। हाँ एलाइस इन द बॉर्डरलैंड का मैंने बता दिया भाई कि नवंबर तक आ जाएगा। मनी हाइस्ट कोरिया के मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 2 मंथ में रिलीज़ करेंगे। द विचर 3 आएगा, मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दिया है कब आएगा। पीकी ब्लाइंडर का हिंदी डब नहीं आ रहा है भाई, अभी तो कैंसिल, होल्ड पर कह सकते हो, कैंसिल नहीं कहूँगा मैं, होल्ड पर डाल दिया गया, तो अभी नहीं आ रहा है। विसंजो का सीजन 2 नहीं आएगा। पीकी ब्लाइंडर का मैंने अपडेट दे दिया। पेंट हाउस पर काम करने वाला एम एक्स प्लेयर, तो मोस्ट प्रॉबली 2-3 महीने में हो जाए। स्वीट होम का मैंने दे दिया है भाई, स्वीट होम का शूटिंग वगैरह प्रोसेस में है, तो मोस्ट प्रॉबली इस साल के एंड तक तो आ जाना चाहिए। द पैकेज के न्यू एपिसोड भाई वीकली आते हैं, वीकली ही आएंगे। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हिंदी डब्ड में नहीं आएगी भाई। थैंक यू, लव यू टू। स्क्विड गेम 2024 भाई, 2024 से पहले नहीं आएगा। थैंक यू भाई, लव यू टू। जैक स्नाइडर का मैंने दीपक भाई बता दिया है भाई। द किंग ऑफ पिक्स कैसा ड्रामा है? अच्छा ड्रामा है, थ्रिलर है और रिवेंज वगैरह काफ़ी अच्छा है, देख लो। मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया उसको, देख सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक्चुअली मैं अमेजोन पर जितने ड्रामाज आए हैं उसमें अभी तक मेरे हिसाब से किंग ऑफ पिक्स ही अच्छा है, देख सकते हो तुम, मज़ा आएगा, देखोगे तो। मैंने अच्छा खासा इन्जॉय किया उसको। बाकी मॉन्स्टर्स आया था लेकिन मॉन्स्टर्स में ना फील की कमी थी यार, वो अच्छे से बना नहीं पाए। नहीं तो कॉन्सेप्ट उसका काफ़ी अच्छा था, मिस्टीरियस था और माइथोलॉजिकल टच दिया था, बना नहीं पाए उतना अच्छा। इंटेंस लव 13 जुलाई को आ रहा है क्या? हाँ भाई 12 या 13 जुलाई, मतलब ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को रिलीज़ करेंगे, देखो कब रिलीज़ करते हैं। अब एमएक्स देसी वाली जो अपडेट है वो मैं भी वेडनेसडे को शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली जो उनकी अपडेट है वो अब वेडनेसडे को आने लगी है। इंटेंस लव का अनिक भाई बता दिया मैंने, 12 या 13 जुलाई तक आ जाएगा। बिजनेस प्रपोजल का भाई आज ही मैंने बताया है कि उसकी डबिंग पर काम हो रहा है, तो अभी सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज में है, तो जैसे ही उसका कुछ और क्लियर होगा तो मैं बताऊँगा। ऑल ऑफ अस आर डेड का सीजन 2 आ रहा है। 25-21 का हिंदी डब्ड में पर अपडेट नहीं है। मिर्जापुर सीजन 3 पर काम हो रहा है भाई, शूटिंग स्टार्ट हो गई है लास्ट मंथ के 24 से, तो देखो कब वो रिलीज़ करते। लेकिन हाँ गुड न्यूज़ ये है कि मिर्ज़ापुर का सीजन 3 का जो शूटिंग है वो प्रोसेस में आ चुकी है, तो मोस्ट प्रोबली नेक्स्ट ईयर सेप्टेम्बर तक तो रिलीज़ कर देना चाहिए, अगर सारी चीज़ें हो गई ऑन टाइम, तो उससे पहले भी आ सकता है। भाई मैंने ऑलरेडी कई बार एम एक्स प्लेयर को डबिंग क्वालिटी रिलेटेड ईमेल कर दिया है, इवन जो वॉइस आर्टिस्ट हैं मैंने उनसे भी बात की है, और इस रिलेटेड मैंने उनसे भी पर्सनली कहवाया भी है कि DD 2.0 की जो डबिंग वो लोग करते हैं उसको हटा करके 5.0 की डबिंग करें, जिससे कि जो व्यूवर्स हैं एटलीस्ट उनको फ़ायदा हो। तो अब भाई अभी तो कोई मूड नहीं है एम एक्स प्लेयर का डबिंग करने का, वो अभी आपको DD 2.0 में ही प्रोवाइड करेगा, देखो कब प्रोवाइड करता है 5.0 का। अभी तो 5.0 में अगर तुम्हें चाहिए डबिंग तो केवल नेटफ्लिक्स दे रहा है डबिंग में, तो वो लोग कब क्वालिटी बढ़ाएंगे आई डोंट नो भाई। बार बार मैं मतलब 3-4 मेरे पास जो डबिंग आर्टिस्ट है, इवन जो एक टीम मैनेजर हैं जो डबिंग डबिंग होने के बाद जो चेक करते हैं कंटेंट को, तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया था कि थोड़ा सा इसको देखिए और क्वालिटी इंप्रूव करिए, लेकिन नो रिप्लाई भाई। हेलबाउंड का मैंने अपडेट दे दिया। ट्रू ब्यूटी ऑलरेडी अमेजोन पर अवेलेबल है लेकिन हिंदी में नहीं अवेलेबल है, तो हिंदी में पता नहीं कब रिलीज़ करेंगे, आई डोंट नो। उसका कोई राइट्स अभी तक बाई नहीं किया है। ट्रू ब्यूटी का चांसेस है यार यही बाई करेगा एमएक्स प्लेयर, देखो कब बाई करता है।
रेन और शाइन हिंदी में कब आएगा? तो 2-3 वीक में आ जाएगा। लव अलार्म का कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। साउंड ऑफ मैजिक हिंदी डब्ड, भाई उसको होल्ड पे डाल दिया नेटफ्लिक्स, देखो कब करता है। रजत शर्मा हाय भाई, तुम्हारा नाम ले लिया। नेवर्दिलस का नहीं, उसको डब नहीं कर रहे हैं अभी। हाय प्रदीप भाई, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? क्रैश लैंडिंग सीज़न 2 नहीं आएगा। पीकी ब्लाइंडर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि उसकी अभी हिंदी डबिंग का काम नहीं हो रहा है। प्यार का जादू हिंदी में कब तक आएगा? नहीं पता मुझे ये इसके बारे में कोई। हैप्पीनेस नहीं, हिंदी में नहीं रिलीज़ होगा भाई, वो भी इंग्लिश में नहीं आया तो हिंदी में तो बहुत दूर की बात है। बल्कि इतना हिट हुआ है हैप्पीनेस, अगर नहीं देखा है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर तुमने ऑल ऑफ अस डेट को एंजॉय किया तो हैप्पीनेस देख लो, हिंदी में आए चाहे ना आए, बस ईयरफोन लगा के सब टाइटल को रीड करते हुए देख लो। लाइट ऑन मी जो ड्रामा है भाई, इसी मंथ में देखने को मिलेगा, तो इस मंथ के लास्ट तक पक्का है आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी डबिंग का तो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इस मंथ के लास्ट तक लाइट ऑन मी रिलीज़ कर देंगे। भाई भाई बराबर, गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन के सीजन 2 का पार्ट 2 भाई मैं भी वेट कर रहा हूँ, 1-2 मंथ के अंदर उसका कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, क्योंकि VTV इंडोनेशिया ने मतलब एक ट्वीट किया था जिस रिलेटेड उन्होंने बताया है कि माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन इज़ कमिंग सून, बस पेशेंस रखना है। सिंड्रेला सेप को MX प्लेयर ने कैंसिल कर दिया है, नहीं आएगा, वो राइट्स नहीं बाय किए। हाय ऐश्वर्य हाय, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? हाउ आर यू टू ग्रो? भाई कहाँ ग्रो, मैं भी अभी बस स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों का सपोर्ट है थैंक यू सो मच। ग्रो कैसे भाई? मैं बस जानते हो मैं काम करते रहता हूँ, जैसे काम करोगे तो ग्रो भी हो जाओगे। डार्क बेसिस नहीं आएगी हिंदी में, अभी तो नहीं आएगी, फ्यूचर में शायद आ जाए। होम टाउन चाचा चा के हिंदी डब को मैंने पता किया था भाई, नहीं हो रहा है, सच में मैंने ईमेल किया था इस रिलेटेड लेकिन नहीं मिला। होटल डेल सीजन मैंने आज ही मैंने उसकी अपडेट दी है भाई, वीडियो देख लेना। बिजनेस प्रपोजल हिंदी की अपडेट आज ही दी है, वो आ रहा है। हाय ब्रो, हाय आदित्य भाई, थैंक यू। लव एंड रिडेम्पशन का मेरे को नहीं पता, माई लिटिल प्रिंसेस का भी मेरे को आइडिया नहीं है भाई। प्यार का जादू मैंने बता दिया, इससे रिलेटेड मेरे पास कोई अपडेट है नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज सीजन 3 में सैंक्ची भी आएगा ना? भाई अभी डॉक्टर स्ट्रेंज सीजन 3 आने वाली है नहीं आने वाली, इससे रिलेटेड भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो सैंक्ची नहीं कह सकता मैं उसमें आएगा या फिर नहीं, क्योंकि और भी मार्वल की जो स्लेट है लेटेस्ट में उसमें नए नए सुपर हीरो आने वाले हैं, तो अभी तो टाइम है, अभी तो ब्लैक पैंथर वगैरह आनी बाकी है, अभी 8 जुलाई को वो आ रही है, थॉर आ रहे हैं अपने, तो उनको देख करके फिर उसके बाद आगे देखो क्या क्या आता है, फिर उसके बाद कभी शायद 2026-27 तक डॉक्टर स्ट्रेंज का सीजन 3 देखने को, पार्ट 3 देखने को मिले, अभी तो नहीं आएगा। MX प्लेयर कौन सा नेक्स्ट? इंटेंस लव आने वाला है, इंटेंस लव प्रे हिंदी डब्ड में नहीं आएगा भाई, वो इस पर रिलीज होगा हुलू पर, फिर उसके बाद हुलू से ट्रांसफ़र, अगर इंडिया में देखना तो तुमको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन हिंदी में नहीं आएगा। अगर हॉटस्टार वाले बाद में डब किए तो मे भी चांसेस है, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। थैंक यू भाई। मनी हाइस्ट तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी भाई। मिस्टर क्विंग तो कंप्लीट हो गया ना उर्दू डब्ड में, मैंने देखा है, मैंने देखा है। हेलबाउंड 2 आ रहा है, मैंने ऑलरेडी अपडेट दिया है हेलबाउंड 2 का। सस्पिशियस पार्टनर इस मंथ नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ आएगा, क्योंकि अभी उसकी डबिंग की जो स्क्रिप्टिंग है हिंदी डबिंग उसी पे काम चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट है ये, तो इस बार तो अभी तो टाइम है। वाइकिंग्स वलाला का भाई शायद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, क्योंकि अभी उसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है, एक आर्टिकल आया था छोटा सा मैंने पढ़ा था, शेयर कर दूंगा अगर वो आर्टिकल मेरे पास पढ़ा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। हाय इलिमा ब्रो, क्या तुम एनिमे नहीं देखते? देखता हूँ भाई, मैंने अभी बताया कि मैं एनिमे का रिव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं करूँगा, जो रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ भाई वही नहीं सपोर्ट करते हो तो क्या। कार्टेड वेब सीरीज देखिए भाई, रिव्यू भी क्या चैनल पर देख लेना, अच्छी वेब सीरीज है, उसका सीजन 2 भी आएगा बहुत जल्दी। बिजनेस प्रपोजल का मैंने बता दिया। 81 क्लास 2 इसका पता नहीं, मेरे को नहीं पता इसका, वीडियो बहुत ही अच्छे बनाते होते हैं, थैंक यू सो मच। मार्शियल यूनिवर्स नहीं, इसका सीजन 3 नहीं आएगा भाई, उसको भूल जाओ भाई। व्हाट्स योर एज? 26, 25, 21,
भाई प्रॉमिस ऑफ चेन्नई, इसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मंथ्स कितने मिले हैं, मंथली कितने मिलते हैं डॉलर? मिल जाता है, काम चल जाता है भाई। मैं इस पे यूट्यूब पे ही डिपेंड नहीं रहता हूँ, मेरा कंपनी भी है, कंपनी में काम भी करता हूँ, तो वहाँ से भी अर्निंग होता है। ये तो बस समझ लो बस मज़े के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है यूट्यूबिंग करना, और मैं कर रहा हूँ, और किस तरह कर रहा हूँ आप लोग देखते हो। असुर टू का मैंने अपडेट दे दिया भाई, नेक्स्ट मंथ आ जा। हाय ब्रो, तुमने उर्दू देखा है? हाँ मैंने उर्दू देखा है, इसका मिस्टर क्वीन का उर्दू थोड़ा बहुत समझ में आती है मुझे। भाई कहाँ रहते हो आप? मैं अयोध्या में रहता हूँ, कभी आओ मिल लूँगा, अयोध्या आ जाना यूपी भाई। हाँ एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो लोग मेरे रिव्यू वीडियो को नहीं देखते हैं, जैसे कि जो मैं रिव्यू करते रहता हूँ, तो उन सबको देख लिया करो, क्योंकि उनमें कभी कभी मैं अच्छी वेब सीरीज़ के बारे में भी आप सभी को बताता हूँ। जैसे कि अभी दो तीन अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ आई थी, मैंने उन सबका रिव्यू किया है, तो देख लिया करो, आप ही लोग का फ़ायदा होगा। ड्रामा से हट के थोड़ा सा देखोगे तो बहुत चीज़ें तुमको देखने को मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो मैं ड्रामा वाला तो करता ही रहता हूँ, लेकिन देखा करो, सारी वीडियोस देख लिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाय अफरोज भाई, मैंने नाम ले लिया, अफरोज भाई का चैनल है, अगर चाहो तो तुम लोग सपोर्ट कर सकते हो, वो भी ड्रामा वगैरह के अपडेट देते रहते हैं। ट्रू ब्यूटी इंग्लिश डब अभी नहीं होगा, उसके राइट जो हैं वो अभी नेटफ्लिक्स और दोनों के पास शेयर है, तो अभी उसका बहुत मुश्किल है चांस। मैंने ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें, माउस के ड्रामा भाई इसका नहीं पता, वेगा माउंट का मैंने बता दिया, अभी काम चल रहा है, देखो सीजन 2 आएगा। लेकिन आप ड्रामास कैसे देख लेते हैं इतने सारे? मेरा काम ही वही है, मैं काम ही यही करता हूँ, ड्रामास वेब सीरीज़ वगैरह सारा चीज़ देखना। तो देख करके रिव्यू नहीं करूँगा तो फिर जो सब्सक्राइबर हैं ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहीं अलग दूसरी जगह, तो देख करके करना पड़ता है, मेरा काम ही यही है। मैं वेब सीरीज़ मूवीज़ में किसी को छोड़ता नहीं, सब देख करके रिव्यू करता हूँ, बट आप लोग केवल ड्रामाज वाला मोस्टली देखते हो, और जो लोग वेब सीरीज़ देखते हैं वो देखते हैं, लेकिन देखा करो। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लीजेंड ऑफ द ब्लू सी भाई मैंने देखी, अच्छी है, मस्ट वॉच एक्चुअली, ली मिन हो इज़ माई फेवरेट, तो देख लेना अगर नहीं देखा है। 25-21K ड्रामा हिंदी डब अपडेट? नहीं वो अभी हिंदी में नहीं आ रहा है, अभी तो मेरे पास अपडेट नहीं है, अगर मिलेगी तो बताऊँगा। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू अलमा भाई। कॉल 2 कब आएगी? नहीं उसका पार्ट 2 तो नहीं आ रहा है यार, मेरे जहाँ तक मुझे पता है, मैंने एक बार सर्च किया तो पार्ट 2 नहीं आ रहा है। अफरोज शेख 10 न्यू भाई मैंने नाम ले लिया है। पेंट हाउस सीजन 3 पर काम हो रहा है भाई, मैंने बताया कि, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो जल्दी क्या पता अपडेट मिल जाए पेंट हाउस की। MX प्लेयर उसमें देख रहा है उस पर क्या करना है। कॉल 2 का मैंने बता दिया। रोमांस से बोनस बुक अपडेट? नहीं इसका नहीं पता, सॉरी। रिप्लाई वगैरह ये सब बड़े बजट के ड्रामास हैं, तो उनको डब करने में बहुत टाइम लगेगा, देखो कब देखने को मिलेगा। मेरा फेवरेट सी ड्रामा तो भाई अनटेम्ड ही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, फिर माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन भी, लेकिन अनटेम्ड यहाँ पर, फिर माई गर्लफ्रेंड, फिर और सारे हैं। अभी तो एक जो नया रिलीज़ हुआ है वर्ड ऑफ ऑनर, नहीं कुछ एक चाइनीज़ लैंग्वेज में मैंने देखा है, अभी नेटफ्लिक्स पर नाम नहीं आ रहा है, मैंने रिव्यू नहीं किया एक्चुअली मैं, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह रहता है तो तुम लोग देखते नहीं, बोलते हो हिंदी वाला ही करो, तो मैंने रिव्यू साइड कर दिया था, लेकिन वो अच्छा चाइनीज़ ड्रामा था, अभी नेटफ्लिक्स पर आया है, कुछ वर्ड करके नाम नहीं याद आ रहा है, जुबान पर है। लेकिन एनीमे मैंने बहुत देखा यार, तो मुझे वन पंच बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और अभी मैं इसका जो आने वाला है साइबर पंक, उसका मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि फाड़ेगा, तो उसका वेट है अभी। ये भी एनिमे ही कहूँगा मैं उसको भी, जो लव और वाला आता है, जो 3 सीजन आए हैं वो भी मेरा है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन सीरीज और मूवीज जिसमें मिस्ट्री, सीरियल किलर, क्राइम वगैरह वो सब, वो हिंदी में देखना है तो अभय देख लो, अच्छी है, और इस पर नेटफ्लिक्स पर देखोगे तो भाई बहुत मिल जाएंगी। हाय सुपर ब्रोस, ले लिया भाई नाम, साइबर पंक किया ब्रो, वेटिंग, उससे उम्मीद है कि
कि वो अच्छा करेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने उस पर अच्छा खासा बजट खर्च किया उसको बनाने में। तो देखो क्या होता है, थॉर लव एंड थंडर में टीपी के पता नहीं क्या लिखा भाई, बच जाए पता नहीं, अभी तो स्पॉयल मैं 3-4 जगह पढ़ चुका हूँ, क्या रिव्यू अर्ली रिव्यू आए हैं, थोड़ा बहुत तो स्पॉयलर मुझे मिल चुका, तो क्योंकि एक दो लोग टैग कर दिया था तो मुझे मजबूरी में देखना पड़ा था इंस्टाग्राम पर। क्या कर सकते हैं, जिसको मरना होगा मरेगा, लेकिन बस अपन लोग इन्जॉय करेंगे। ब्रो अब कौन सी वेब सीरीज आने वाली है फेमस इन नेटफ्लिक्स इन स्ट्रेंजर थिंग्स 4 के बाद? अभी तो एक शैडो एंड बोन बाकी है भाई, जिसका वेट कर रहा हूँ, शायद मोस्ट प्रोबली 1-2 मंथ में रिलीज़ होगी। और एक काफ़ी सीरीज आने वाली है एक्चुअली, नेटफ्लिक्स पर तो हमेशा आती रहती है, मैं अपडेट दे दूँगा। मेरा फेवरेट के ड्रामा ये स्क्विड गेम, स्क्विड गेम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। डब्ल्यू टू वर्ड्स देख लिया भाई, बस उसके हिंदी डब का वेट कर रहा था, नेटफ्लिक्स अनाउंस किया था कि 2023 में उसको हिंदी डब करेंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ उनका ट्वीट, इसलिए मैं बोला था अपनी वीडियो में कि थोड़ा सा डाउट है, ये जो ट्वीट निकल के आया है। हीलर यार देखो रिलीज़ कर देंगे, पाकिस्तानी OTT ऐप है ना, तो उस पर ज़्यादा मुझे पता नहीं। क्रिस इवांस वर्सेस क्रिस हैम, सॉरी, हाँ भाई अब वो नहीं देखने को मिलेगा, देखो अब कब देखने को मिलेगा, कैप्टन अमेरिका भाई का। आपको कौन, आप भाई अभी आपकी कौन सी वेब सीरीज या ड्रामा देख रहे हो? अभी तो मैं घोस्ट डॉक्टर देख रहा था ड्रामा में, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ है, तो उसके मैंने 8 एपिसोड देख लिए हैं। घोस्ट डॉक्टर अच्छा ड्रामा है, लेकिन वही है कि तुम लोग पता नहीं रिव्यू चाहते हो कि नहीं, तो इसलिए मैंने अभी तक उसका रिव्यू नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा बाकी है, उसको ख़त्म करके मैं करूँगा। बिजनेस प्रपोजल का मैंने बता दिया, हिंदी डब्ड आ जाएगा भाई 1 से 2 महीने में, डबिंग हो रही है। वेब सीरीज में मैंने अभी वो देखी थी लेटेस्ट, जो मैंने रिव्यू किया अभी कल ही, जो मैंने रिव्यू किया है, अरे द टर्मिनल लिस्ट आई थी, तो ठीक लगी मुझे, बहुत निगेटिव रिव्यू मिला लेकिन मुझे ठीक लगी। क्रिस प्रैट लव। चाइनीज सीरीज मैंने बता दिया है, अनटेम्ड मेरी फेवरेट है, बता दिया। डब्ल्यू टू वर्ल्ड पर रिव्यू, हाँ वो उसके हिंदी डब का वेट कर रहा हूँ, अगर नहीं आया तो मजबूरी में करना पड़ेगा भाई। टेलीग्राम पर घोष डॉक्टर, नहीं घोष डॉक्टर का मेरे पास लिंक नहीं है भाई। सस्पिशियस पार्टनर इस महीने नहीं आ रहा है, शायद नेक्स्ट महीने, क्योंकि अभी उसकी जो डबिंग है उसकी स्क्रिप्टिंग ही चल रही है, तो नहीं बता सकता क्या सीन चल रहा है। जितने लोग भाई लाइव देख रहे हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि अगर तुम्हारे कुछ भी और क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ भी जानना चाहते हो, कुछ भी कोई अपडेट या मुझसे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। हाँ बैठ जाता, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ से चेयर गायब हो गई है, मेरा भाई लेकर के बाहर बैठा है, वो पता नहीं कहाँ ऊपर चला गया, वो भी लाइव देख रहा होगा तो खड़ा होकर करना पड़ रहा है। और आज मुझे, मैं थोड़ा बिजी था, फिर सडनली मुझे याद आया कि 4 बजे मुझे लाइव जाना है, तो मैं भाग करके आया, मैं बाहर था काम कर रहा था, कंपनी का थोड़ा काम आया हुआ था तो मैं चला गया था, तो अभी अभी मैं आया। डाक की मैंने हिंदी अपडेट दे दी है। BTS का भाई मैं फ़ैन हूँ यार, अभी DN ने, उसमें सुना नहीं तुमने क्या नाम था, मनी हाइस्ट, DN ने का सॉन्ग, मैंने बताया अभी विच पार्ट 2 की है। हाँ जैसे न्यूज़ आएगी तो मैं बता दूंगा, तो अभी तो मतलब नहीं है कोई मेरे पास न्यूज़ भाई। मैं आऊँगा बांग्लादेश, बस ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो हर जगह मैं पहुँच जाऊँगा, जरूर आऊँगा, घर तक भी आऊँगा। G5 अभी कोई ड्रामा नहीं डब कर रहा है, तो हॉरर वाला जो उनका चल रहा था, ऐसे क्या नाम था जो एक चैनल है उसके साथ, तो उस पर भी कुछ दिक्कत आई तो अभी नहीं आया। तुर्किश न्यू ड्रामा एक नेटफ्लिक्स पर आने वाला है, अभी उसका टीजर या पोस्टर हो सकता है 1-2 मंथ में देखने को मिले। और इस पर MX प्लेयर पर जो फ्लेम ऑफ फेट करके जो है वो आने वाला है, दो दो 3 वीक में आ जाएगा, वो पिछले मंथ ही आने वाला था लेकिन कुछ पता नहीं क्या डिले उले हुआ है डबिंग की वजह से, शायद मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ करने का प्लान बना रहे हैं इसलिए रिलीज़ हुआ है। सलमान भाई द विच 2 का मैंने बार बार बताया है। स्ट्रेंजर थिंग सीजन 5 जिसने नहीं देखा है ना, स्ट्रेंजर सब कुछ छोड़ो, जाके स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 4 देखो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इस सीजन को एंड किया है ना,
जब देखोगे तो पूरा रूह कांप जाएगा। और जो सीजन 5 में मैंने एक प्रिडिक्शन दी है, मेरा वीडियो अगर नहीं देखा होगा मुझे पता है, तो अगर तुम चाहो तो जाकर के जो मैंने सीजन 5 की एक थ्योरी बताई है उसको देखना। और अगर वो हो गया, मतलब वेकिना की आर्मी और इधर अपनी जो सुपर हीरोज की आर्मी है वो हो गया ना, तो इस बार तो अगर तुमको न्यूज़ पता चली होगी तो जब स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 4 का वॉल्यूम 2 आया तो नेटफ्लिक्स हैंग हो गया था, तो अगली बार लॉन्ग टाइम के लिए हैंग होगा, इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी। तो मैं भी चाहता हूँ कि सीजन 5 उसका कुछ तगड़ा हो। सीजन 5 में टाइम जंप वगैरह देखने को मिलेगा, कुछ टीज आया हुआ है तो उसका डिटेल मैं शेयर कर दूंगा। हेलबाउंड सीजन 2 का मैंने अपडेट दे दिया है, आ रहा है। एनिमे देखता हूँ भाई, अभी मैं एनिमे से रिलेटेड ही बात कर रहा था, साइबर पंक का वेट कर रहा हूँ जल्दी से रिलीज हो। हैप्पीनेस हिंदी में नहीं आएगा। पेंट हाउस जिन लोगों को पसंद है मैं उनको जरूर बोलूँगा कि अगर तुमने री मैरिट एंड डिज़ायर का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाओ देखो, पेंट हाउस की वाइब मिलेगी उसमें। री मैरिज और डिज़ायर जो ड्रामा है वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, मतलब इसी मंथ 15 जुलाई को आ रहा है हिंदी में नेटफ्लिक्स पर, तो उसको मिस मत करना। अगर तुम्हें पेंट हाउस पसंद है, सीजन 3 नहीं देख पाए हो तो उसका बेटर ये है। हाय गोलू भाई, हाय। तो बेटर ये है कि री मैरिज एंड डिज़ायर का वेट करो, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो वाइब है वो कुछ इसी हिसाब से है, पेंट हाउस के जैसी। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हूँ, उम्मीद तो मनी हाइस से भी लगा के बैठा था, लेकिन देख रहे हो पूरा धज्जी उड़ा दी ओरिजिनल के जो फैंस हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, माई ड्रामा लिस्ट पर उसको अच्छी रेटिंग मिली है, और उसी चीज़ को लेकर के कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी भी किया था, क्योंकि मैंने एक पब्लिक ओपिनियन दिया था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि मैं अपने रिव्यू को डिफेंड कर रहा हूँ, तो डिफेंड डिफेंड नहीं कर रहा था, मैं पब्लिक का ओपिनियन बता रहा था कि 5.1 मेरा जो रिव्यू है, मैंने जो रेटिंग दी थी उसमें मैंने 2 रेटिंग दी थी। माई मतलब कोरियन ड्रामा जो देखना पसंद करते हैं, मैंने उनके अकॉर्डिंग बताया था कि 8.5, और जो लोग नहीं देखते उनके अकॉर्डिंग मैंने 7.5 की दी थी, क्योंकि भाई उतना बुरा भी नहीं था मनी हाइस्ट जितना उसको ट्रोल किया गया। लेकिन हाँ, सीजन 2 अभी जो उसके रिमेनिंग एपिसोड आएंगे तो उसमें उम्मीद है कि हाँ कुछ अच्छा करेगा। डूम एट योर सर्विस ने इसका मेरे पास कुछ, जुवेनाइल जस्टिस का सीजन 2 नहीं आ रहा है, उसका सीजन 2 के अनाउंसमेंट नहीं हुई है। टुमारो हिंदी डब नो अपडेट। अटैक ऑफ टाइटन मैंने देखा है, देखा हुआ अच्छा है अटैक ऑफ टाइटन, चीज ही है जो लोग एनिमे देखते हैं वो नहीं उसको नहीं देखेंगे तो फिर। गेम ऑफ थ्रोन्स का आज से ठीक 50 डेज के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन नहीं, उसकी स्पिन ऑफ सीरीज रिलीज होने वाली है, तो वेट करो मिलेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स का तो बनाएंगे वीडियो, देखना। हाँ भाई, BTS का फैन हूँ, देख लेता हूँ, गाने वगैरह सुन लेता हूँ, इतना तगड़ा डाई हार्ड नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अभी देखा ही था उसमें मनी हाइस्ट में, एंजॉय किया था डीएन ने। हॉस्पिटल प्लेलिस्ट नहीं, उसकी हिंदी डब नहीं है। मैन ऑफ कल्चर देखता हूँ भाई, सब कुछ उधर से ही तो इंस्पायर्ड, उन लोगों को नहीं देखेगा तो फिर किसको देखेगा, वाला सीन हो जाता है। ऐसा मैं भी चाहता हूँ भाई कि हमारे भी जो कम्युनिटी में जो एक दूसरे के बीच में दरार है, मैन ऑफ कल्चर में जैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, फिर बादल भाई हुए या फिर पीजे भाई हुए या फिर मोहित भाई हुए, जैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी भी कम्युनिटी हो जिसमें ड्रामा वाला कुछ मेन ऑफ ड्रामास ऐसा कुछ करके बने, जिसमें हम लोग भी 3-4 लोग मिलकर के डिस्कस करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा मैं भी कुछ चाहता हूँ। लेकिन यार प्रॉब्लम यह है कि सब अपने में ही बिजी हैं और टीज करते रहते हैं किसका टांग पकड़ के खींच लें जिससे रुक जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ यही हूँ कि मेन ऑफ कल्चर से उन लोग की कम्युनिटी जैसे सुपर हीरोज़ वाली वर्क कर रही है, वैसे हमारी भी ड्रामास की कम्युनिटी हो, 3-4 लोग हों, डिस्कस करें। अगर कोई इंटरेस्टेड है और 40-50 हज़ार के सब्सक्राइबर हैं उसके, तो मुझे DM कर सकते हो, कुछ सोचूंगा मैं ज़रूर, मैन ऑफ कल्चर के जैसा, मैन ऑफ ड्रामास ऐसा वैसा करके। हाय आदित्य भाई, माई लव फ्रॉम अनदर, नहीं इसका कोई अपडेट नहीं है। F4 Thailand हिंदी में नहीं आएगा। हाय हेलो के ड्रामा फ्लिक्स, गोगो स्क्विड गेम नहीं, इसका जो गोगो स्क्विड है वो नहीं आने वाला भाई। यू सीजन 4 आएगा शायद, आने वाला है ऐसा कुछ,
उसका शूटिंग वगैरह का कुछ अपडेट आया था यार, मैंने अभी देखा था रिसेंटली। डॉक्टर रोमांटिक सीजन 3 की अनाउंसमेंट हुई थी तब अपडेट आया था, उसके बाद उसका कुछ भी अपडेट नहीं है। स्वीट होम का सीजन 2 आ रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो स्वीट होम के सीजन 2 की शूटिंग प्रोसेस में है। डीमन स्लेयर देखिए क्या ब्रो भाई, उसको मैंने स्टार्ट किया था लेकिन बीच में ही मैं छोड़ दिया था क्योंकि सीरीज उस टाइम रिलीज हुई थी कोई बड़ी, तो मुझे उसको देखना था। देखूंगा, कंप्लीट करूंगा क्योंकि वो अच्छा लगा था मुझे। कमेंट सम ऑफ योर बेस्ट टीन हाई स्कूल सीरीज। सीरीज यार टीन हाई स्कूल में अभी तो मुझे रॉयल रॉयल जो आया था, क्या नाम था उसका, यंग रॉयल अच्छी लगी थी, और ऑल ऑफ अस डेड में भी टीन ड्रामा ही था तो वो भी बढ़िया थी। माई नेम सीजन 2 नहीं, उसका कोई भी नहीं हुआ। द गैंगस्टर एंड द कॉप एंड द डेविल की जो हिंदी डबिंग प्रोसेस में स्क्रिप्टिंग वर्क हो रहा है, तो इस मंथ के लास्ट या फिर क्या पता नेक्स्ट मंथ तक IOF वाले, तो उनसे मेरा पर्सनल कांटेक्ट है, मैं एक बार पूछ करके ही क्लियर कट बता दूंगा कि मतलब क्या सीन चल रहा है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था तो बोला था स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग वर्क में है वो भी, तो देखो क्या पता कंप्लीट हो गई होगी, क्योंकि 7-8 दिन पहले मैंने पूछा था तो बता दूंगा मैं। अम्ब्रेला अकेडमी तो सीजन 3 आ चुका है, रिलीज हो चुका है, अब सीजन 4 आएगा उसका नेक्स्ट ईयर, अभी तो नहीं आने वाला। अम्ब्रेला अकेडमी नहीं देखा है जिन लोगों ने, जाकर के देखो। डेविल जज भाई हिंदी में वेट करते करते मैं भी थक गया, नहीं आया। अपकमिंग सीरीज नेटफ्लिक्स की अपकमिंग तो भाई आने वाली बहुत सारी सीरीज आने वाली, शेडो एंड बोन आने वाला है, और ये आने वाली है रीमैरिज एंड डिजायर नेक्स्ट वीक आएगी, तो बहुत सारी आ रही हैं। आप अगर नेटफ्लिक्स की अपडेट चाहिए तो बता दो, मैं दे दिया करूँगा, कोशिश करूँगा जितना भी आता है। हाँ मैं एनीमे देखता, तू एनीमे देखता? हाँ मैं एनीमे देखता हूँ, बहुत देखता हूँ। रिबेल्डे सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो गई है भाई, वो नवंबर में आ रहा है शायद। हाँ शायद नवंबर में कुछ तो, नवंबर में रिलीज हो रहा है। नेट उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना, मैंने उसमें उस रिलेटेड कुछ अपडेट दिया है भाई। 40 मिनट होने वाले हैं अपडेट को, तो अगर तो आउटर बैंक नेक्स्ट सीजन भाई वर्क हो रहा है तो देखो कब रिलीज़ करेंगे, अभी तो बन ही रहा है। पेंट हाउस में लव स्टोरी कैसी? अच्छा है पेंट हाउस, पेंट हाउस ड्रामा अच्छा है, बट उसकी डबिंग भाई ख़राब है, बता दे रहा हूँ। अगर ओरिजिनल में देख पाओ तो बेस्ट, इतना जान लो, फिर मज़ा जो ओरिजिनल मज़ा मिलेगा वो हिंदी डबिंग में नहीं आएगा। आउटर बैंक मैंने बताया, रीयूनियन नहीं आ रहा है, उसके सीजन 1 का ही केवल खरीदा था एमएक्स प्लेयर ने। रूगल का भाई कोई अपडेट नहीं है मेरे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। यूमी सेल्स, हाँ यूमी सेल के जो सीजन 1 और सीजन 2 के जो राइट्स हैं उसके बाई करने की बात हो रही है, तो मोस्टली उस पर आएगा, क्या बोलते हैं, अमेज़न प्राइम पर देखने को मिलेगा। कब करेंगे ये नहीं पता। द विचर का मैंने अपडेट दे दिया भाई, नेक्स्ट ईयर आएगा, अभी तो शूटिंग वगैरह भी शुरू नहीं हुआ है, सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज में, प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट होने वाला है शायद, लास्ट मैंने जब चेक किया था। वैम्पायर डाइज का नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं उसका नहीं पता किया था। कॉन्टिनेंट नहीं यार, इसका कोई अपडेट है नहीं भाई। डार्क नहीं आ रही हिंदी में, अभी तो नहीं आ रही, फ्यूचर में मे बी, अभी तो नहीं आ रही। मैंने मेल वगैरह किया था कब 15-20 दिन पहले, तो अभी जाके रिप्लाई आया था, तो अभी नहीं आया। कोरियन लैंग्वेज आती नहीं, कोरियन लैंग्वेज आती नहीं है, बट थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा बहुत आता है समझ में। मूव टू हेवन का सीजन 2 नहीं आएगा ब्रो, क्योंकि उसकी कुछ अनाउंसमेंट नहीं की गई अभी। हाय हंटर किंग भाई, मे बी फ्यूचर में अगर कुछ आया तो मैं ज़रूर बता दूंगा। जितने लोग देख रहे हैं वो भाई प्लीज़ लाइक कर देना, और जिन लोगों का मैं इसमें क्वेश्चन ऊपर निकल गया है तो वो कमेंट कर देंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट अगर चाहते हैं तो नेक्स्ट बार, नेक्स्ट मंथ या फिर आने वाले 1-2 मंथ में फिर से हम लोग लाइव आ जाएंगे, उसमें आप लोगों के क्वेश्चन मैं फिर से पिक कर लूँगा। ट्राइब एंड एम्पायर्स का सीजन 2 नहीं आएगा। ऑल ऑफ अस आर डेड का नेक्स्ट ईयर, मोस्ट ऑल ऑफ अस आर डेड का नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। साइंस फिक्शन में देखना है तो ये देख लो आप,
क्या नाम है, देखो नाम नहीं ध्यान आ रहा है। अभी उसका सीजन 3 आने वाला था, कैंसिल। इंग्लिश में अगर देखना है तो नाम नहीं ध्यान आ रहा है, देखो रुक जाइए मैं सोच के बता देता हूँ। Avenger 5 रिलीज, अभी एवेंजर का तो सेटअप कर रहे हैं भाई, अभी कहाँ रिलीज डेट हो जाएगी, सेटअप ही हो रहा है कि सीजन ये फेज 4 में होने वाला क्या है, विलेन कौन होगा। अभी तो यही डॉक्टर डूम करके निकल के आ रहा है, लेकिन अभी देखो कौन होने वाला है। विसेंजो पार्ट 2 नहीं आएगा। असो 2 यार अपडेट यार उन लोगों को अब तक दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक पता नहीं नहीं दिया है, तो पता नहीं क्यों नहीं दिया। अब्बास मस्तान ने एक क्या बोलते हैं भाई, कोरियन या फिर किसी मूवी के राइट्स खरीदे हैं किसी दूसरे कंट्री, तो उसी पर वो लोग काम करने वाले हैं। इतना मैं अपडेट पढ़ता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन कौन सा अपडेट मैंने उठाया है और कौन कौन सा देखा, कौन कौन सा छोड़ दिया। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन की हो तो अगर तुमको ये सारी अपडेट चाहिए होती है तो वहाँ पर देख लेना, ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगा वीडियो में जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर चलो रिव्यू करे सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहाँ पर मिल जाएगा। बिग माउथ का तो आ चुका है, अब देखो कब रिलीज़ करते हैं उसको, टीज़र वगैरह आया है, मैं मुझे रिलीज डेट याद नहीं एक्चुअली इसकी भाई। आपके आप भाई आपसे आके घर का लेट बनवाया, पता नहीं भाई। ओ थक गया मैं तो, 41 मिनट हो गए, तो अगर किसी को मतलब और कुछ अपडेट पूछना वगैरह है तो पूछ सकते हो, तो इम्पोर्टेंट अपडेट अगर कुछ जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो नहीं पूछ पाएंगे उनको मैं नेक्स्ट मतलब लाइव आकर के रिप्लाई कर दूंगा अगर आप लोग चाहते हो, या फिर Q&A कर लेंगे इस बार। और मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग जो मेरी रिव्यू वीडियो रहती है जो नहीं देखते उसको देखा करो, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और जो मैं वीडियोस बनाता हूँ नहीं देखते हो आप लोग उनको भी देखा करो, क्योंकि कभी कभी कुछ अच्छी वेब सीरीज आ जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, तो उनको भी देख लिया करो। प्रॉमिस आप चैंग चैंग के जो न्यू वेबसाइट हैं वो नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाएंगे, ट्यूसडे की शाम को आ जाएंगे। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कोरियन ड्रामास को। माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 मैंने बता दिया कि अभी उस रिलेटेड अपडेट आने वाली, देखो कब लोग डालते हैं। सो नॉट वर्थ इट, ऑलरेडी अवेलेबल है ना ये तो नेटफ्लिक्स पर, देख लो जा कर के उसमें, क्या अच्छा टाइम पास। तो बार बार सारे लोग वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, तो जिन लोग को विच पार्ट 2 का अपडेट चाहिए वो जा कर के इसी लाइव को फिर से देख लेंगे। तो और सस्पिशियस पार्टनर का भी मैंने बता दिया कि इस मंथ नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ शायद आ जाए। रिव्यू प्रॉमिस ऑफ चाहे, हाँ मैं ट्राई करूँगा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ही। MX प्लेयर की सीरीज़ कब आएगी, ये आ रही है ना एमैन इन वेल, आज ही बताया हूँ तो उसमें आ जाएगी। हाँ रुचि बताइए आपका क्या क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई करूँ। नेक्स्ट वीक आ रही है MX प्लेयर, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को आ जाएगी। मेरा फेवरेट ड्रामा मैंने बता दिया है, स्क्विड गेम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पार्क हिसु की जो एक्टिंग थी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। हाय टू भाई, टू वर्ल्ड का यार कुछ पता ही नहीं चलता, इसका ईमेल करो टू वर्ल्ड का तो रिप्लाई ही नहीं आता, तो मैं क्या बोल दूँ उस पर। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और आपका फेवरेट एक्टर? मेरा पार्क है, सू ली मुन हो, ये सब हैं, बहुत सारे हैं मतलब हर, अभी तो इसमें उसका नाम नहीं ध्यान है मुझे,
मनी हाइस्ट जो मैंने देखा, तो डेनवर का जो रोल था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो भी फेवरेट ही बन गया है। गजब की एक्टिंग की है उसने। नहीं देखा है मनी हाइस्ट कोरियन ड्रामा का रिव्यू तो जाके देखना, मैंने उसमें एक स्पेशल एक्ट भी परफॉर्म किया था, तो उसको जा कर के देख लेना। अभय का मैंने रिव्यू किया है, आप अभय का बेस्ट वेब सीरीज़ अगर आप पूछ रहे हैं तो अभी तो मेरे नज़र में जो भी रिसेंटली है वो स्ट्रेंजर थिंग है। स्ट्रेंजर थिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो। विचर देख सकते हो, लेकिन 18 प्लस है विचर, तो अच्छा लगेगा। बेस्ट वेब सीरीज प्रॉमिस ऑफ चेंचिंग मैंने देखा नहीं है तो मैं अभी बता नहीं सकता भाई। हाय भाई कि कैसा है। विसंजो पार्ट 2 नहीं आएगा। नहीं, ये मैंने नहीं देखी है जो आप एनिमे पूछ रहे हो भाई। नहीं, आर यू स्मार्टर इसका अपडेट नहीं है। आर यू स्मार्टर एंड फाइव गार्डन पता नहीं क्या लिखा, ऊपर चला गया भाई। स्ट्रेंजर थिंग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि हाई XB77। अगर नहीं देखा है तो अभी तुरंत सब कुछ छोड़ करके स्ट्रेंजर थिंग का वॉल्यूम 2 जा, सीजन 4 का वॉल्यूम 2 देखो जाकर। 15 जुलाई को ऑल ऑफ अस अपडेट नहीं आ रहा भाई। ड्रीम एज एंड डिजायर आ रहा है, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है। और किसी को कुछ और एक्स्ट्रा पूछना है, लव अलार्म हुआ या फिर जो भी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा। जो कमेंट्स हैं बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो छूट जा रहे हैं उसमें भाई। ये जो फैन डब्ड मूवीज़ अब आ रही हैं और ये डे बाई डे क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या यार फैन डब मैं तो नहीं बोलूँगा देखने के लिए। तुम्हें अच्छा लगता है तो यार देख लो, लेकिन उसमें जो डायलॉग्स वगैरह रहते हैं वो बस यूँ ही टेम्प्रेरी डायलॉग्स लिखते हैं वो लोग, तो नहीं मेरे हिसाब से तो मैं तो मना ही करूँगा। जब तक ओरिजिनल माल ना आए तो मज़ा नहीं आएगा ना। ओजार्क का सीज़न 5 अभी भाई मेरे पास इसकी अपडेट नहीं है। सीज़न 4 शायद उसका लास्ट था, सीज़न 5 नहीं आ रहा है। सीज़न 4 में ही सारा चीज़ें उसमें क्लियर हो गई थी। भाई आपके चाहने से नहीं होगा ना, वो क्रिएटर डिसाइड करेंगे। हाय एप्पल, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई बात नहीं। अभी आ गया ना, अभी आए तो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि और लोगों को। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हमको अपनी कम्युनिटी जो है वो बड़ी करनी, किसी से हेट नहीं करना। हमारी जितनी ज़्यादा कम्युनिटी होगी, अगर तुम सपोर्ट करोगे किसी चीज़ को, अगर हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ड्रामाज और जो भी चीज़ें देखना शुरू करेंगे, तो अगर हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी तो आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप ड्रामास चाहते हो कि ये डब हो वो डब हो, अगर आप सपोर्ट करते हो तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करने के लेवल पर आ जाऊँगा कि भाई ये ऑडियंस है, ये देखना चाहती है। अनबर्नड सन जो आ रहा है ये कोई नहीं देखना चाहता, हमको ये वाला ड्रामा चाहिए। तो मैं बताने का मतलब वहाँ पर कोशिश भी कर सकता हूँ कि हाँ हमारी ये कम्युनिटी है, हमारे ये लोग हैं, हमारे ये ड्रामास देखना चाहते हैं, ना कि ये जो अनसंट कुछ भी डब कर दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डब हो रहा है। मैं अच्छा हूँ, हाँ 100K कमिंग सून, थैंक यू। बस आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो 100K आगे निकल जाएंगे हम लोग, लेकिन वही है कि सपोर्ट ही नहीं है। कुछ कुछ वीडियो पर दिखता है, कुछ कुछ नहीं पर दिखता है, तो सपोर्ट किया करो, सारी वीडियोज़ देखा करो। बॉलीवुड या कोरियन ड्रामाज आपको? बॉलीवुड का जो मैं देखता था पहले, तो देवों के देव महादेव आता था और ये सब जो आते थे मैं उनको देखता था पुराने में, लेकिन अब कोरियन ड्रामा बेस्ट हैं यार मेरे हिसाब से। हेलो ब्रो, बस आप बवाल मचा रहे हो फुटबॉल भाई, मैं नहीं, आप लोगों के ऊपर सपोर्ट की वजह से ही बवाल मचा हुआ है। बवाल मचा के रखना है ना, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कम्युनिटी अपनी ग्रो करनी है, जिससे कि मतलब हम लोग कुछ ना कुछ डब करा सकें, कुछ ना कुछ तगड़ा जो ड्रामास हैं जैसे कि W2 वर्ल्ड हुआ या फिर जो भी बड़े बड़े ड्रामास हैं उनको डब कराना है मुझे। तो जब आप लोग मतलब सपोर्ट दिखाओगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगा कि मैं जाकर के वहाँ पर रिक्वेस्ट करूँ। अगर सपोर्ट ही नहीं रहेगा, मेरे पास 10-20 लोग रहेंगे कि मुझे ये ड्रामा डब कराना है, तो फिर नहीं होगा।
और जब एक अपनी एक कम्युनिटी रहेगी तो मैं दिखा सकता हूँ कि भाई मुझे ये चाहिए। खाना हो गया, हाँ खाना हो गया, हाय 81 क्लास सीजन 2, भाई उसकी अपडेट पता नहीं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर रोमांटिक का मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दिया भाई, क्योंकि जब टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी सीजन 3 की तो उस टाइम था, लेकिन अभी नहीं है। कॉमेडी टीवी शो देखना है तो अभी मैन वर्सेस बी आया है, टाइम पास है, देख लो। नेटफ्लिक्स पर छोटे छोटे एपिसोड हैं, उसका रिव्यू चैनल पर मिल जाएगा, मैन वर्सेस बी करके सर्च करना, रिव्यू मिल जाएगा, जा करके देख लेना। चैंग प्रॉमिस आप चैंग चैंग क्या मैं रिव्यू दूँ भाई, मैंने उसको देखा ही नहीं। देखने का मन करता है तो यार इन लोग की डबिंग इतनी ख़राब रहती कि देखने का मन नहीं करता। इंटेंस लव भाई 12 या 13 जुलाई को आएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हाँ भाई मुझे पता, इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ प्रॉमिस ऑफ चैंग मैंने छुआ भी नहीं। नारुतो देखा है भाई, नारुतो देखा है, ड्रैगन बॉल जेड देखा है, और जो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें आ रही थी वो मैंने देखा है। नारुतो तो मेरा फेवरेट था, इवन जो अभी ड्रैगन बॉल जी जेड का जो ये सुपर जो चल रहा है उसकी हिंदी डबिंग जो आई है उसको मैं देख रहा हूँ। 39 एपिसोड मैंने देख लिए हैं, जब टाइम पास खाना खाना रहता है तो मैं उसी को लगा के आजकल खाता हूँ। बाय केको ऑन द इंटर्न एमएक्स प्लेयर पर ही आएगा। वन पीस भी अच्छा है, पेंट हाउस का यार, पेंट हाउस से अच्छा रीमैरिज एंड डिज़ायर, मैंने बताया ना उसकी वाइफ जो है, हाय भाई पेंट हाउस की जैसी है तो पेंट हाउस का देखना। स्कूल 2015 का भाई नहीं, मेरे पास कोई भी आइडिया उसका नहीं है। गुड कोरियन ड्रामाज अगर आपको देखना है तो अभी मॉन्स्टर्स आया है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं, बट हाँ देख सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब है, देख सकते हो। और तुमको देखना है तो जा कर के हैप्पीनेस देख लो। विंसेंजो का बारे में बता दिया, हाँ ईट एंड लव और ड्रिंक जो आया मैंने उस, मैं जानता हूँ मैंने देखा है, ईट ड्रव जो भी था उसका नाम, लेकिन अभी मैंने पूरा एपिसोड नहीं देखा क्योंकि उस टाइम जो उसका एक डॉक्टर वाला चल रहा था मैं उसको देख रहा था। फिर उसके बाद जो हिंदी डब्ड हो गए, लिसन टू लव, क्या है कि हॉट स्टार वाले पता नहीं क्या क्या डब करते हैं। मोर देन फ्रेंड्स वगैरह जो चल रहा था, मोर देन फ्रेंड्स क्योंकि ऑन द इंटर्न का रिव्यू करूँगा भाई बहुत जल्दी, थोड़ा सा उसका वेट कर रहा हूँ रिलीज़ हो जाए एमएक्स प्लेयर पर, पता नहीं कि क्यों नहीं कर रहे हैं प्लेफ्लिक्स वाले। थैंक यू भाई आपको भी कि आप सपोर्ट करते हो इसलिए मैं करता हूँ। हाँ भाई एनिमे का मैं करूँगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर आप एनिमे चाहते हो तो बताओ, मैं सारा मतलब रिव्यू करने के लिए रेडी हूँ, सब कर दूँगा। G5 में अभी नहीं आ रहा है, कोई ना कोई हॉरर का ही आएगा। हॉरर टीवी शो बोल तो रहा, मॉन्स्टर्स टाइम पास के लिए देख सकते हो। हाँ मैं बोल दूंगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा मिस द ड्रैगन को। डॉक्टर लायर, या डॉक्टर लायर ही था, ठीक है अच्छा है, बस वही है प्रॉब्लम कि उसकी बहुत स्लो है। अच्छा था कॉन्सेप्ट लेकिन उसका अच्छा था, दो दो फेज में डिवाइड किया है। द गेम टुवार्ड्स जीरो भाई यार टीवी पर आया तो मेरे पास उसका कहाँ से देखूँ, मेरे पास टीवी अब चला OTT कर देखूँ या फिर टीवी पर जा कर के देखूँ तो टाइम नहीं मिला है, इसलिए मैंने लाइट ले लिया उसको। जब कभी OTT पर आएगा तब देखूँगा, क्योंकि OTT पर आने के बाद ही मतलब फील होता है कि हाँ चलो रिव्यू करते हैं, लेकिन अभी उसका क्या मैं बोलूँ। स्वीट होम आ रहा है भाई। वन पंच मैन का सीजन 3 या कोई अपडेट तो नहीं है, आना तो चाहिए, अब देखो वो लोग कब निकालते हैं, बहुत लेट से आता है सीजन वगैरह उसका तो। भाई क्या बोलते हैं, 54 मिनट हो चुके हैं, एक घंटे से मैं खड़ा होकर के लाइव हूँ, तो अब 6 मिनट और हैं, 6 मिनट में आप लोगों को जो भी पूछना है पूछ लो, और जितने लोग भी जुड़े हैं भाई लाइक कर देना, इसको शेयर वगैरह कर देना। थैंक यू आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा कि इतने लोग 200 के प्लस हम लोग चले गए थे, तो सभी लोगों को थैंक यू जो लोग लाइव जुड़े। फिर से लाइव करेंगे अगर आप लोग चाहते हो तो, मैं फिर से कर दूंगा। स्टोव लीग अभी भाई वो डिले पर है, अब देखो कब उसको एम एक्सपायर डब करते हैं, क्योंकि एक लिस्ट जर्नल लिस्ट जो होती है वो आती है, फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद उसकी स्क्रिप्टिंग, फिर डबिंग, फिर वॉइस कास्टिंग जो होती है वो सब स्टार्ट होता है, टाइम लगता है। तो अभी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक आपको ए मैन
इन वेल मिलेगा, दो कोरियन ड्रामा इस मंथ एमएक्स प्लेयर पर देखने को मिलेंगे, फिर दो नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तो जैसे ही उस पर कुछ क्लियर होगा, बाय भाई मिलते हैं फिर, तो उस पर मैं बताऊंगा जरूर। अनटेम का सीज़न 2 नहीं आएगा, सस्पिशियस पार्टनर इस मंथ नहीं आएगा, मोस्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, टुमारो इन द डब में नहीं आएगा। क्या तुम कोई ड्रामा डब? नहीं, मैं ड्रामा डब नहीं कर रहा, उतनी अच्छी आवाज़ नहीं मेरी। सॉन्ग जूंग की ड्रामा यंगेस्ट सन ऑफ कांग, नहीं इसका तो मेरे पास अभी, हाँ ये आने वाला है सन ऑफ कांग ना, हाँ ये आने वाला था, इसका मैंने देखा था न्यूज़। फाइट फॉर माई वे, वही चीज़ मैंने बताया भाई, टीवी पर रिलीज हुआ, जिस दिन OTT पर आएगा तो मैं रिव्यू कर दूंगा, मैं उसका रिव्यू करना चाहता था, लेकिन टीवी का रिव्यू करने से थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, तुरंत नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उस वीडियो को अगर मैं चैनल पर रखूँगा तो रिलीज प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा जो सबसे पहला वीडियो है वो जाकर के चैनल पर देख सकते हो, सलमान खान की कोई मूवी आई थी, मैंने उसके सॉन्ग का रिव्यू किया था, तो देख लेना चैनल पर मिल जाएगा। कोरियन पॉप में इंटरेस्ट? हाँ है, मना नहीं करूँगा। है फ़ोन कौन सा है आपका? फ़ोन मेरा रेडमी नोट 7 प्रो है, काफ़ी पुराना है, मैं बहुत जल्दी इसको चेंज करने वाला हूँ। कार्निवल का सीज़न जो है, कार्निवल रो का सीज़न 1 की हिंदी डबिंग नहीं है, सीज़न 2 की बहुत टाइम से शूटिंग चल रही है, पता नहीं क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हैं, कहाँ चलेगा, तो नो आइडिया ब्रो। अभी KGF 3 भाई अभी कहाँ आ जाएगी, उससे पहले सलार वगैरह आनी है, तो उसके बाद अब KGF का शांत नील का यूनिवर्स आ रहा है, तो उसके बाद जिनका मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो सॉरी ऊपर चला जा रहा है। हाय ब्रो स्ट्रांग वन, नहीं इसका कोई मेरे पास अपडेट नहीं। एक विलन रिटर्न्स, क्या कैसी कोरियन मूवी रीमेक? नहीं, कोरियन मूवी की रीमेक नहीं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट है शायद, इस बार ओरिजिनल कर रहे हैं। हर्ष कुमार हाय भाई, थैंक यू, आप मेरी वीडियोस को देखते हो। हाँ मेरी तबीयत ठीक है अभी। हाँ मैं एनिमे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, विच पार्ट 2 की मैंने ऑलरेडी अपडेट दे दी है वीडियो इसी लाइव में, अभी जब मैं एंड करूंगा तो इसको स्लो से सुन लेना क्या मैंने बताया। स्वीट होम सीजन 2 भाई नेक्स्ट ईयर ही मान के चलो, इस मंथ तो, इस ईयर तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी शूटिंग में ही है। हाय ब्रो अमेज़न, मैंने बता दिया कार्निवल रो का। मून लवर्स के राइट्स जो हैं वो उर्दू फ्लिक्स के पास हैं, अब देखो कब डब करता है। तो भाई लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे मैंने मतलब बता दिए, मॉन्स्टर टीवी शो मैंने बता दिया है, तो भाई थैंक यू आप लोगों, आप लोग आए तो, और अगर जिसका अपडेट छूट गया है मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस पर कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जो सीरीज़ हम लोग चला रहे थे उस पर, न्यू चाइनीज ड्रामा आने वाला इंटेंस लव 13-14 जुलाई तक आ जाएगा, वेट करो। हाय एप्पल, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, कौन सा क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, ऊपर चला गया होगा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं भाई, मैं जिसका पढ़ पा रहा हूँ मैं उसका रिप्लाई कर दे रहा हूँ, और जिसका नहीं आ रहा है पढ़ में तो सॉरी। इतने ईट लव किल हिंदी डब्ड नहीं है, ओरिजिनल मैंने सुना बहुत अच्छी, हाँ हिंदी डब्ड नहीं है मुझे पता है, ओरिजिनल अच्छी है, देख करके मैं रिव्यू कर दूँगा, हॉट स्टार पर है। तो ठीक है भाई लोग, थैंक यू, और जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहो, जिनका कमेंट छूट गया है तो बुरा मत मानना, मैंने इग्नोर नहीं किया है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो छूट जा रहा है, तो मैं पढ़ करके रीड करके रिप्लाई दे दूँगा, मेरा मोबाइल भी हीट हो गया ऑलमोस्ट, तो फिर किसी दिन लाइक करेंगे तो उसमें पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, वीडियोज़ देखते रहना, वीडियोज़ नहीं देखते हो तो वीडियोज़ देखा करो, क्योंकि वेब सीरीज में भी मैं कभी कभी ड्रामास की अच्छी रिकमेंडेशन कर देता हूँ, तो वीडियो ज़रूर देखा करो। ठीक है, 1 घंटे तक लाइव रहा, फिर से किसी दिन करेंगे, अब ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है मेरे पास, किसी दिन अच्छे से बैठ के किया जाएगा, तो आप लोग अपना ध्यान रखना, फिर से किसी दिन मिलते हैं, बाय।